जो जमीन थी वो उजड़वादी स्थानीय सांसद उजड़वादी वो जमीन है। गरीब मजदूरों जो 100 साल से बसे थे उनके घर उजाड़ दिए, बिल्डर चलवा दिया, ऐसी हालत मजदूरों को बना दिया। टीचर नहीं है स्कूलों में, आज किताब पेन पर GST लगा दिया, किताबें इतनी महंगी हो गई, कहाँ से गरीब का बच्चा पढ़ेगा। सरकार का बाप की जमीन नहीं है ये जमीन, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पे मजदूर का अधिकार है, वो जनता की जमीन, सरकार अपने घर से ला लेती है। जनता ने दिल्ली बनाई है, जनता देश को बनाता है, जनता मजदूर यहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, मेट्रो से लेकर सब चीज जनता बनाया, बड़ा बड़ा पार्लियामेंट जनता बनाई है। सरकार का जो रवैया है मजदूर विरोधी रवैया है, गरीब को और गरीब कर दो, गरीब को एकदम मेट दो। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहां पे आप लोग देख सकते हैं अपनी मांगों को लेके यहां पे लोग आए हुए हैं और यहां पे आप पोस्टर देखिए, सभी के लिए आवाज की गारंटी करो, और यहां पे पोस्टर देखिए इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, और यहां पे एक और पोस्टर दिखा देते हैं आपको, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना बंद करो। तो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि ये लोग किन मांगों के साथ आए हैं, क्या कहेंगे सर जो आप मांगे लेके आए हैं, सरकार उन पे काम नहीं कर रही है क्या? सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है। हमारी जो मांग है कि सबसे पहली मांग हमारी मजदूरों का है, मजदूरों को आज दिल्ली के अंदर 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है, कहीं 8,000 कहीं 10,000 रुपया 12 घंटे का मिलता है, न कोई छुट्टी है, न उनको बैठने के लिए खाना खाने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, न महिलाओं के लिए अलग से शौचालय है। आज की तारीख में जो दिल्ली गवर्नमेंट के या भारत सरकार की जो भी संस्था है वहाँ मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, या न्यूनतम वेतन की मांग करते हैं तो उनको काम से निकाला जाता है। आज सब जगह कॉन्ट्रैक्ट, तो जितना काम करेंगे उस हिसाब से ही तो वेतन दिया जाएगा। दिल्ली सरकार का न्यूनतम वेतन 70,400 रुपया है, दिल्ली सरकार ने घोषणा किया, लेकिन वो आज की तारीख में दिल्ली गवर्नमेंट ने भारत सरकार नहीं दे रही है। आज छटनी की नौबत आ गई, जो मजदूर यदि मांग करता है उसको निकाल के बाहर कर देता है, चाहे दिल्ली सरकार को चाहे भारत सरकार के। आज की तारीख में निर्माण का काम बंद है, आज निर्माण मजदूर भूख के कागार पे खड़े हुए हैं, उनको रोजगार नहीं है, कहाँ से वो अपने परिवार को चलाएंगे, न तो भारत सरकार सोच रही है, दिल्ली सरकार दे रही है, ऐसी हालत बना दिया है। ऐसे ही किसानों का मुद्दा है, किसानों को आज MFC की जो गारंटी का कानून मांग कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है। बाजरा की कीमत 2400 रुपया है, लेकिन प्राइवेट मंडियों में 2000 रुपया में किसान बेचने के लिए मजबूर है, आज की हालत कर दिया। यूरिया का खाद दाम वही है, बोरी जो 50 किलो की आती थी आज 45 किलो कर दी, और दाम वही है। यहाँ पे जो आपने ये पोस्टर लगाया हुआ है कि जो गरीबों के जो घर है उसे बुलडोजर चलाना बंद करो, तो वो अवैध रूप से बने हुए होंगे तभी तो बुलडोजर चलाया जा रहा है? नहीं है, किसी का सरकार का बाप की जमीन नहीं है ये जमीन, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पे मजदूर का अधिकार है, क्योंकि मजदूर या दिल्ली सरकारी जमीन तो सरकार की हुई ना, उस पे आप लोग कैसे घर बना लेंगे? जमीन है वो जनता की जमीन, सरकार अपने घर से ला लेगी। अगर जनता, अगर सरकार की तरफ से दी जाएगी जमीन तभी आप घर बना सकते हैं, ऐसे नहीं बना सकते। सरकार की जमीन है नहीं है, वो जनता की जमीन है, जनता ने दिल्ली बनाई है, जनता देश को बनाता है, जनता मजदूर यहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, मेट्रो से लेकर सब चीज जनता बनाया, बड़ा बड़ा पार्लियामेंट जनता बनाई है। सरकार ने बोला तभी तो बना है ना ये सब, सुविधा के लिए ही तो बनाया गया है। मजदूर को भी जगह चाहिए रहने के लिए, जब तुम पूंजीपतियों को सारी जगह दे रहे हो खाली करा के झुग झोपड़ी, वहाँ बड़े बड़े मंटर से मॉल बनेंगे, तो आवास योजना के तहत घर मिले तो हैं आप लोगों को? कहाँ मिला, कहाँ मिल रहा है, किसी है कोई डेटा आपके पास है? आप बताइए, आपने कहा आवासीय योजना के तहत मकान मिला है, आप हमें बता सकते हैं कोई डेटा कितने मजदूरों को मकान मिला दिल्ली के भीतर और कितनी झुग्गियाँ तोड़ी गई पिछले 2 सालों में, आपके पास है कोई डेटा? आप ही लोगों को कहते नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको घर दे दिए जाते हैं फिर आप ही लोगों को बोला जाता है कि आप उन घरों में रहते नहीं है? किसने कहा ये? आप वापस वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं? आप ये बात कहाँ से कह रही हैं? मैं इसका सोर्स जान सकता हूँ आपसे? सोर्स नहीं है, ऐसा ही है। आप कुछ भी बोल रही हैं तब तो ये बात तो आपकी, कोई बात आपकी बात सही है, हमारी बात गलत है, आप तो ऐसा कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं ऐसा। नहीं, लोग तो कुछ भी कहते हैं, आप बताइए, मैंने आपसे ये बात, कोई भी न्यूज चैनल खोल के देखिए, सुनिए, न्यूज चैनल नहीं, आप पत्रकार हैं, पत्रकार को ये जरूरी होता है कि फैक्ट बोले,
आपको सही बात बोलनी होगी ना। सुनिए, फैक्ट बात ही है। तो आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार का कौन सा ऐसा आंकड़ा है, दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का, जो ये आप बताता हो कि दिल्ली के भीतर गरीब मजदूरों को कितने आवासीय मकान पिछले कितने सालों में दिए गए? दिल्ली में एक जगह है, कहते हैं मेहरौली रोड कहते हैं उसे, ठीक है, मेहरौली रोड कहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों को घर दिए गए? नहीं, वो खुद कहते हैं कि हम वो किराए पे दे देते हैं और हम यहाँ पे रहते हैं। नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता है, आप बताइए कौन सी ऐसी कॉलोनी। वहाँ जाके पूछिए ना, आप वहाँ जाके पूछिए। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, आप ये झूठ बोल रहे हैं। मेहरौली तो कलकाबाद में है, घर उजाड़ गए मजदूरों के, जो जमीन थी उजड़वा दी, स्थानीय सांसद ने उजड़वा दी वो जमीन है। गरीब मजदूरों जो 100 साल से बसे थे उनके घर उजाड़ दिए, बिल्डर चलवा दिया, ऐसी हालत मजदूरों को बना दिया। अब मजदूर कहाँ जाए, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, वो चला उनके घर तोड़ दिए, उनका रोजगार वहाँ पे है, अब वो रोजगार कहाँ खोजेगा? ये उनको देगा आप जाकर रोहिणी में, और वो रह रहा है ओखला में, उनका रोजगार है, तो रोहिणी से कैसे जाएगा? उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहा है, वहाँ कैसे जाएगा? सरकार कह रही है कि हमने योग्यता के आधार पर सबको रोजगार दिया है। किसी को रोजगार नहीं, किसी योग्यता है? आज बच्चों का पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है स्कूलों में, आज किताब पेन पे GST लगा दिया, किताबें इतनी महंगी हो गई, कहाँ से गरीब का बच्चा पढ़ेगा, मजदूर का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? आज दूध इतना महंगा, बच्चे दूध चाय के लिए तरस रहे, कहाँ से सरकार करेगी? है सरकार का जो रवैया है, मजदूर विरोधी रवैया है, गरीब को और गरीब कर दो, गरीब को एकदम मेट दो। जिस तरह से महंगाई की बात कर रहे हैं, प्याज जो है वो 80 रुपए किलो पहुंच गई है, प्याज 80 रुपया पहुंच गई है, प्याज तो 100 रुपया पहुंच गई थी, 80 क्यों रो रहे? टमाटर अभी 200 रुपए, लेकिन भाई भाजपा जो है वो प्याज दे रही है 25 रुपए किलो दे रही है, वो प्याज भाजपा कहाँ दे रही है? जिस जनता को पता चलता है वो लेने जाता है, वो खाली मोदी जी के अमित शाह के घर जा रही होगी 25 रुपया का, बाकी किसी जनता के पास तो जाने। आम जनता से बात करी थी, आम जनता कह रही है कि वो लाभ उठा रहे हैं 25 रुपए किलो, आपके घर पहुँचा 25 रुपए, हमने ली है 25 रुपए किलो, कहाँ ली, कहाँ मिलता है मुझे बता दीजिए, आप सिर्फ पत्रकारों के लिए है, यहीं पर मिल रहा है, क्या गजब बात कर रही है, बताइए इस देश में अखबार में 25 रुपए किलो दे रहे हैं, तभी तो जनता ले रहे हैं। 1 किलो मेरे लिए अभी खरीद के ले आएंगी, मैं दूं आपको पैसे, यहाँ जाइए, यहाँ देखिए मिल जाएगा। आप एकदम बिना सर पैर की बातें आप कर रहे हैं, सर पैर की बात नहीं है, नहीं है तो फिर 100 रुपए क्यों मार्केट में बिक रहा है 25? मार्केट देखिए, मार्केट का मैं नहीं बता सकती, मार्केट चलाता है, सरकार चलाती है, प्राइस का मूल्य का नियंत्रण कौन करेगा? सरकार करेगा, सरकार करने में इसमें विफल है। तो क्या वहाँ पर देश के सारी जनता जाकर खरीद सकती है? तो वही तो हमें पहुँचाना है आगे तक, किस जनता जाने, मैं आपसे पूछ रही, मैं बस बता रही, यहाँ 25 रुपए किलो प्याज तो खरीदने नहीं आएगी, आएगी। आप यहाँ काम करते हैं, 5000 रुपए का मकान अगर आपको कहीं तुगलकाबाद में मिलता हो रहने के लिए, तो आप वहाँ तो जाके नहीं रहेंगे, क्योंकि रोज आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, ये दिस इज बेसिक आइडिया हाउ इकोनॉमी वर्क्स, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ कॉस्ट, कितना कॉस्ट लग रहा है किसी चीज को लाने में, उससे क्या निकल रहा है। कहाँ से आए? हम दिल्ली से ही आए हैं, आप दिल्ली से हैं, क्या नाम है आपका? हिमांशु नाम है हमारा, हिमांशु नाम है आपका, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप? हाँ, सबसे ज्यादा, क्योंकि इस समय तो गोदी मीडिया इतना ज्यादा फैल गया है, तभी तो हमारा काम है जनता की बात को वहाँ तक पहुँचाना, तभी हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे आपको कोई और मीडिया दिख रहा है? तथ्य बहुत जरूरी होता है, कभी भी कहीं भी आप बात करें, तथ्यों के साथ हमेशा खड़े होना बहुत जरूरी होता है, मैं ये बात आपसे कहूँ। तो यहाँ पे हमने लोगों से बात करी, यहाँ पे लोग अपनी अलग अलग मांगों के साथ आए हैं, जो कह रहे हैं किसानों के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, रोजगार नहीं दे रही है, तो यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी करे और सरकार सुने उनकी। तो ऐसे ही आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनता आवाज।